ये एक डिप्रेशन की ऐसी स्टेट है 8 टू 15 परसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन दे मे सफ़र फ्रॉम पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या आपको ये दिल चाहे कि आप खुद को नुकसान पहुँचाएँ या अपने बेबी को नुकसान पहुंचाएं? अलकुम मेरे नाम डॉक्टर रूज नास है आई एम एमसल्टेंट गॉलेज मेडिकल सेंटर नॉर्थ आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में पोस्ट पार्टम डिप्रेशन सबसे पहले बात करते हैं वॉट इज पोस्ट पार्टम डिप्रेशन ये एक डिप्रेशन की ऐसी स्टेट है जो डिलीवरी होने के थ्री टू फोर वीक्स के बाद सामने आती है अगर हम इसके प्रवेलेंस की बात करें तो छह औरतें जो बेबी डिलीवर कर चुकी हैं उसमें से एक का मसला पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है नाउ पोस्टमार्टम डिप्रेशन के इट्सैल्फ तीन टाइप्स हैं सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्टमार्टम ब्लूज 70% परसेंट ऑफ द प्रेगनेंट वुमेन दे मे सफ़र फ्रॉम पोस्टमार्टम ब्लूज जस्ट आफ्टर डिलीवरी डिलीवरी के दो से तीन दिन के बाद कुछ मूड स्विंग्स होने लगते हैं और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व कर जाते हैं इसमें हमें किसी ट्रीटमेंट की नीड नहीं कर पड़ती लेकिन अगर ये सिम्टम्स वक्त के साथ साथ सिवियर होने लगें और रिजॉल्व नहीं हो तो हम कहते हैं कि ये पोस्ट पार्टम डिप्रेशन है और हमारी पॉपुलेशन में 8 टू 15 परसेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन दे मे सफर फ्रॉम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन एंड द थर्ड टाइप इज पोस्टमार्टम साइकोसिस जो बहुत रेयर है उसका इंसिडेंस है पॉइंट वन टू वन परसेंट अगर ये सिम्टम्स और ज्यादा सिवियर हो जाएं तो ये पोस्टपार्टम साइकोसिस होती है जिसमें समटाइम्स हॉस्पिटलाइजेशन की नीड भी पड़ सकती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्या साइंस और सिम्टम्स हैं अचानक से मूड स्विंग्स हो जाना इरिटेबिलिटी परेशान हो जाना خوف और हراس का महसूस होना भूख ना लगना चीजों में से कंसंट्रेशन लॉस्ट हो जाना ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपके बेबी और पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग में कमी आने लगे ना उम्मीदी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे थाट्स आने लगें कि आपको ये दिल चाहे कि आप खुद को नुकसान पहुँचाएं या अपने बेबी को नुकसान पहुँचाएं ऐसे क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीवियसली आपकी प्रेगनेंसी में डिप्रेशन की हिस्ट्री रही हो या थ्रू आउट प्रेग्नेंसी आप किसी साइकोलॉजिकल या इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही हूँ शादीशुदा लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी से गुजर चुके हैं आप एक ऐसे बेबी की केयर कर रहे हैं जिसकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं अगर आपको आपके पार्टनर या आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है तो ये वो फैक्टर्स हैं जो पोस्ट डिप्रेशन के रिस्क को बढ़ा सकते हैं पोस्ट डिप्रेशन को ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका है मेडिकेशन और दूसरा तरीका है थेरेपी मेडिकेशन में कुछ एंटी डिप्रेशन एडवाइस किया जाता है जिसका फंक्शन ये होता है कि ब्रेन से केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो मूड को बेहतर बनाने में मदद देते हैं एंटी डिप्रेशन डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आपने नहीं शुरू करनी और एंटी डिप्रेशन को एकदम से रोकना भी सही नहीं है दूसरा तरीका है थेरेपी इस थेरेपी में एक साइकोलॉजिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है जो आपकी अच्छी काउंसलिंग करते हैं और आपको इस पोस्ट डिप्रेशन के फेस से निकालने में आपकी मदद करते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप पोस्ट डिप्रेशन के सिम्टम से गुजर रहे हैं तो आप अपनी मदद आप भी कर सकते हैं कोशिश करें कि रियलिस्टिक रहें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा दें अच्छी डाइट लें एक्सरसाइज करें वॉक करें कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स और अपने पार्टनर्स के साथ गुजारें बहुत ज्यादा अकेले रहने से अवॉइड करें और कोशिश करें कि जब आपके बेबी सो रहा हो तो आप भी उसके साथ अच्छी स्लीप लें और रेस्ट करें अगर प्रीवियसली पोस्टमार्टम डिप्रेशन की हिस्ट्री प्रेगनेंसी में रही है तो आगे आने वाली प्रेगनेंसी में आपने अपने डॉक्टर को इस हिस्ट्री के बारे में जरूर बताना है ताकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपके सिम्टम्स को मॉनिटर किया जा सके और अगर जरूरत पड़े तो टाइमली ट्रीटमेंट भी दिया जा सके क्योंकि जितनी जल्दी आपकी डायग्नोसिस बनेगी और आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी उतनी ही जल्दी आप इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन के फेज से बाहर आएंगे अगर ये सिम्टम्स दो हफ्ते से ज्यादा परसिस्ट कर रहे हो या मजीद बढ़ते जा रहे हो न्यू बॉर्न बेबी की केयर करने में प्रॉब्लम हो रही हो या आपको ऐसे कुछ थॉट्स आए कि आप खुद को या अपने बेबी को नुकसान पहुंचाएं तो ये वो पॉइंट है कि आपको टाइमली अपने डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए और उनको कंसल्ट करना चाहिए